हेलो गाइस, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको कामराज कैप्सूल के बारे में कुछ ऐसे रोचक फैक्ट कि ये कैप्सूल किसके लिए बनाया, अगर किसको खाना चाहिए और किसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। कामराज कैप्सूल इन दिनों मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिक रहा है, वो भी अपनी टाइमिंग की वजह से। तो चलिए गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, अगर बात करें कामराज कैप्सूल की, तो इसका नाम ही एक बहुत ही बड़ा ब्रांड सा महसूस होता है, काफी दाकर सा। थोड़ी अलग ही फीलिंग आती है कि इस कैप्सूल में जरूर कुछ डाला गया है। शायद इसीलिए इस कैप्सूल की डिब्बी पर भी लिखा होता है मेंस पावर बूस्टर। जी हाँ, ये कैप्सूल किस काम के लिए कंपनी ने बनाया है और किस काम के लिए लोग यूज कर रहे हैं, आपको वही बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कैप्सूल की बात की जाए तो इसे ब्रह्मानंद कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक आयुर्वेदिक कंपनी है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की बात करें तो इसे जंगरा रोड जलंधर में बनाया जाता है, जो कि पंजाब में ही स्थित है। गाइस, आपको बता दूं कि ये कैप्सूल इन दिनों पंजाब में बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है और साथ ही साथ जम्मू और साथ में चेन्नई में बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। लोगों का कहना है कि इसे खाने के बाद हमारी टाइमिंग और हमारे कॉन्फिडेंस में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल हर एक का स्केड्यूल बहुत ही बिजी होता है, हर कोई बहुत ही स्ट्रेस और अपने काम में बहुत ही बिजी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे आदमियों को अपने नाइट टाइम में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, वो भी टाइमिंग की। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कामराज कैप्सूल बनाया गया है। तो गाइस, अगर कैप्सूल की एमआरपी की बात करें तो पहले इसकी एमआरपी हुआ करती 200 रुपया, और आपको पता ही कि जिस चीज की यूजेज ज्यादा होने लगती है उसकी कंपनी एमआरपी बढ़ा ही देती है। तो आज के दिन में इसकी एमआरपी होती है 279, और अगर मार्केट की बात करें तो एक कैप्सूल तकरीबन 120 या 30 रुपए का आसानी से मिल जाता है। तो गाइस, आपको बता दूं कि कामराज कैप्सूल बनाने वाली ब्रह्मानंद कंपनी का दावा है कि उन्होंने इस कैप्सूल में प्योर 100% शुद्ध केसर यूज किया है, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट लोगों द्वारा बताया जाता है कि बहुत ही बढ़िया है। और अगर इसकी डिब्बी को खोला जाए तो आपको बता दूं कि अंदर से कैप्सूल किस तरह की पैकिंग में निकलता है। तो गाइस, इस डिब्बी में इस तरह के दो कैप्सूल निकलते हैं। इस कैप्सूल की बैक साइड पर एक कंपनी की स्टैंप लगी होती है और साथ में लिखा होता है कामराज, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जब भी कोई चीज चलनी शुरू होती है तो उसके डुप्लीकेट बहुत ही ज्यादा आ जाते हैं। तो इस कंपनी का दावा है कि अगर उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदना है तो उसकी दोनों साइड पर कामराज की सील होगी और साथ ही साथ कैप्सूल के बैक साइड पर भी कामराज की ओरिजिनल स्टैंप लगी होगी, जिससे आपको ऑथेंटिसिटी का पता चल सकता है कि ये कैप्सूल आपको ओरिजिनल मिला है कि नहीं। तो गाइस, अगर कंपनी की बात करें तो वो बोलती है कि इस कैप्सूल के यूज करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही हैप्पी रहती है। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका टाइमिंग या आपको नाइट टाइम में आने वाली दिक्कत ये कैप्सूल दूर करता है। दोस्तों, कैप्सूल की डिब्बी में एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट भी दी गई है, इसमें प्रॉपरली हिंदी में बताया गया है कि इसे कैसे यूज करना है और किस लिए बनाया गया है, और साथ में ये इंग्लिश में भी लिखा गया है, और बैक साइड में देखे तो इसमें उर्दू में भी सारा बताया गया है। दोस्तों, मैंने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ी है तो उसमें बताया गया है कि पुरुषों को किस वजह से कमजोरी आती है, उनको क्या चीज बंद करनी चाहिए और क्या चीज लेनी चाहिए। अगर आप इसकी प्रॉपर डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको कामराज कैप्सूल खरीदना पड़ेगा। गाइस, अगर बात करें कंपनी के द्वारा बताई गई इसकी डोज के बारे में, दोस्तों इसे रात के समय अपनी टाइमिंग से कम 1 या 2 घंटे पहले खाना होगा। शुद्ध केसर के अलावा अगर बात करें इसमें डाली गई दवा के बारे में, तो इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डाली गई हैं, जिनका लेबल मैं जहां पर मेंशन कर रहा हूं और कितनी क्वांटिटी में डाला गया है वो कैप्सूल की डिब्बी के एक साइड पर दिया गया है। और जिस भी आदमी को लगता है कि उसको टाइमिंग या रेक्टाइल की प्रॉब्लम है तो वो ये कैप्सूल यूज कर सकता है। लेकिन गाइस, आपको बता दूं कि ये कैप्सूल डेली यूज के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया, इसको सिर्फ आपने टाइमिंग के तकरीबन 1 या 2 घंटे पहले ही यूज करना है, डेली रूटीन के लिए बिल्कुल नहीं है। आज के दिन बहुत सारे लोग कामराज कैप्सूल यूज कर रहे हैं, लेकिन गाइस 5 या 7% लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि कामराज खाने से उनका सिर दर्द बहुत होने लगा है, उन्हें थोड़ी बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम भी आई है। आयुर्वेदिक होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ, ये तो कंपनी ही बता सकती है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि कामराज कैप्सूल किन लोगों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो गाइस, आपको बता दूं कि अगर आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है और आपको टाइमिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कामराज कैप्सूल बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। गाइस, आजकल देखा जाता है कि हर उम्र का लड़का अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इस कैप्सूल को यूज कर रहा है। तो आपको बता दूं कि 20 साल से कम उम्र का लड़का इस कैप्सूल
को बिल्कुल भी यूज ना करें। और स्पेशली उन लोगों को बता दूं कि जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनका बीपी बढ़ता है या किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो वो इस कैप्सूल को बिल्कुल भी यूज मत करे। ये ऐसा मैंने कामरा बनाने वाली ब्रह्मानंद खुद कंपनी बता रही है। उन्होंने नोट में दिया गया है कि इस चीज का खास ध्यान रखें कि किन लोगों को ये कैप्सूल नहीं खाना चाहिए। बाकी ये कैप्सूल मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहा है और बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। तो गाइस ये था हमारा आज का ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि कामराज के बारे में बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी वीडियोस और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।